हेलो दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों, आप देख रहे हो गुर्जर समाज से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी भाइयों को पता है कि देवली उनियारा से गुर्जर समाज के भामाशाह सीताराम पोसवाल भी उठ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, वहां से विजय भैंसला जी को टिकट मिल जाने के बाद काफ़ी लोगों की उम्मीद थी कि सीताराम पोसवाल निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, सीताराम पोसवाल ने हर बार गुर्जर समाज के लिए कुछ हटके किया है और गुर्जर समाज के लिए हमेशा करते रहते हैं। सीताराम पोसवाल ने आज विजय भैंसला को समर्थन कर दिया और उनको फुल सपोर्ट किया है। उनकी ओर से विजय भैंसला का पूरा सपोर्ट है। दोस्तों, समाज के ऐसे भावी नेता के लिए हमेशा सपोर्ट बनाए रखिए और आशा करते हैं कि सीताराम पोसवाल फिर से एक बार आगामी चुनावों में फिर एक बार अपनी कोशिश करेंगे और गुर्जर समाज का पूरा सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि विजय भैंसला को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, उनका विरोध बिल्कुल न करें, क्योंकि ये लाल पगड़ी के आबरू है। दोस्तों, आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी भाई सीताराम पोसवाल या विजय भैंसला जी को पसंद करते हैं, वो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जल्द मिलते हैं नई अपडेट के साथ में। दोस्तों, विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार के अंदर काफ़ी हेराफेरी चल रही है टिकट को लेकर। दोस्तों, ऐसे में सचिन पायलट का भी अभी तक कोई क्लियर जवाब नहीं आया, लेकिन बताया जा रहा है कि सचिन पायलट टोंक से चुनाव लड़ेंगे, तो गुर्जर समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।